हेलो फ्रेंड्स, आरजीएम इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं उमेश मिश्रा आप सभी बच्चों का सभी व्यूवर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही है। अब इस वीडियो में हम लोग टेंस को पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर टेंस आप लोगों ने अब तक टेंस के बारे में समझा और उसे जाना कि टेंस जिसमें मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का डाउनलोड करते समय पिछला वीडियो, टेंस का पिछला वीडियो डाउनलोड करते समय उसका थोड़ा सा भाग डाउनलोड होने में गड़बड़ी हुई और वो डाउनलोड नहीं हो पाया, इसलिए उस अंतिम रूल को हम एक बार फिर से बताते हैं और उसके बाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने उस अंतिम रूल के अंतर्गत बताया कि आपको जो हुज मिलता है, जिसकी हिंदी होती है किसका किसकी, किसका किसकी, एक मिलता है हाउ मेनी, जिसका मतलब होता है कितना कितनी, लेकिन यह जो कितना कितनी होता है ये गणनीय अवस्था होती है, गणनीय, और हाउ मच का मतलब कितना कितनी, और ये होता है अगणनीय, ये होता है अगणनीय, विच का मतलब होता है किस, या होता है कौन सा, या होता है कौन सी, कौन सा कौन सी, ऐसे वाक्य जब हम हल करने के लिए पाते हैं तो यहां पर ट्रांसलेशन करते समय, ट्रांसलेशन इसको कन्वर्ट करते समय, हिंदी से इंग्लिश में बनाते समय इन ये शब्द, अगर ऐसी प्रश्नवाचक शब्द अगर हमें वाक्य में मिलते हैं तो हम ध्यान देंगे उनके तुरंत बाद अक्सर 95% केसेस में हमें एक नाउन वहां पर मिलता है, और जो नाउन वहां पर मिलता है हम उस नाउन के साथ हम इस प्रश्नवाचक शब्द को भी वहां पर हल करते हैं। जैसे राधा किसकी कलम चुराती है, राधा किसकी कलम चुराती है, किसकी मतलब हुज, आप ध्यान दीजिए किसका किसकी, इसकी अंग्रेजी हुज। अब इसके बाद जो नाउन है कलम, इसको भी इसी के साथ जोड़ा जाएगा, हुज पेन। अब सहायक क्रिया डज, राधा चुराना मतलब स्टील, हुज पेन डज राधा स्टील। अगला नियम जैसे रुचि प्रतिदिन कितना खाना खाती है, रुचि प्रतिदिन कितना खाना खाती है, अब कितना खाना जो अनकाउंटेबल है, खाना अनकाउंटेबल माना जाता है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो रुचि अब प्रतिदिन कितना खाना खाती है, तो कितना का मतलब हुआ मित्रों हाउ मच, खाना मतलब फूड। अब सहायक क्रिया, आप जानते हैं सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है, हाउ मच फूड डज रुचि खाती है, ईट, हाउ मच फूड डज रुचि ईट। अब यही अगर काउंटेबल होता है, जैसे मुकेश कितनी किताबें खरीदता है, मुकेश कितनी किताबें हाउ मेनी बुक्स, मुकेश एक वचन है तो डज, डज मुकेश खरीदना बाई, हाउ मेनी बुक्स डज मुकेश बाई। अगर यही
यही अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है तो यहां पर जैसा कि आप जानते हैं यहां पर डू का प्रयोग हो जाएगा डज के स्थान पर। अब एक जैसे कौन सा कौन सी वाले भाग में से देखते हैं, जैसे तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो कौन सी के लिए विच, कौन किस कौन सा कौन सी, तो तुम कौन सी किताब पढ़ते हो मतलब विच किताब मतलब बुक। अब कर सहायक क्रिया लगा डू, सहायक क्रिया डू इसलिए लगा क्योंकि यहां पर जो करता है वह करता यू है और यू बहुवचन होता है। विच बुक डू यू, पढ़ना मतलब रीड, विच बुक डू यू रीड। इस प्रकार से अगर हम और एक देख लेते हैं, जैसे मेरी माताजी किस कमरे में रहती हैं, मेरी माताजी किस कमरे में रहती हैं, किस कमरे में, तब इन विच रूम, सहायक क्रिया डज क्योंकि मेरी माताजी एक वचन, डज माय मदर लीव, लीव मतलब रहना, इन विच रूम डज माय मदर लीव। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यही इतने नियम थे और जो इसके पहले वाले जो वीडियोज हैं उनको देखते हुए आप हल करते रहिए, ट्रांसलेशंस को पूरी तरह से आप समझने का प्रयास करिए। आगे के पाठों में आगे का जो टेंस है, अब तक आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस देखा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में आपने समझा। मित्रों मैं आशा ये करूंगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से एक एक रोल को आप तैयार कर लीजिए और जो रोल आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पढ़ेंगे वही पूरे रोल्स आप बाकी के 12 टेंसों में पढ़ेंगे, टेंसेज में पढ़ेंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो मेरा दावा है कि आप अगले टेंसेज में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। अगला टेंस हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान निरंतर काल, वर्तमान निरंतर काल। तो जो वर्तमान निरंतर काल है, वर्तमान निरंतर काल का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वर्तमान निरंतर काल में क्या होता है कि यहां पर जो भी कार्य होता है वो निरंतर रहता है। पहला नंबर तो वह वर्तमान में होता है और दूसरा नंबर वह निरंतर होता है, मतलब उस कार्य में निरंतरता प्राप्त होती है। जैसे हम इसको पहचान के तौर पर, मोटे तौर पर जब हम पहचान को देखते हैं तो वहां पर पहचान में हम पढ़ते हैं इसे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आता है वाक्य के अंत में, मतलब रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं आदि शब्द आता है। जैसे मैं खा रहा हूं, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह दौड़ रहा है, वह उछल रहा है, वह कूद रहा है, वह खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, वो दे बड़ी बार ये थी, मतलब उसमें कार्य की निरंतरता होनी चाहिए। अब कार्य की निरंतरता में अगर ऐसी सेंटेंस आते हैं तो वहां पर हम उसको सॉल्व प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे अगर वह बात कॉन्टिन्यूअस की होगी, पहचान के बारे में हमने जाना। अब इसमें सहायक क्रिया के बारे में जानते हैं, इसमें जो सहायक क्रिया होती है वह सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर, और इसकी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं।
सहायक क्रिया होती है इज एम आर, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर इज जो होता है वह एक नंबर का सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे ही सी इट नेम, और नेम में जो सिंगुलर नंबर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, जबकि आईएम के साथ हम आई का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जहां पर आई के लिए एक पर्टिकुलर एक पर्सनल सहायक क्रिया दी गई है आईएम। न आई को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक वचन में रखा गया है और न ही उसे बहुवचन में रखा गया है। आर जो है आर प्रयोग किया जाता है यू वी दे और जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम यू वी दे और जो भी नंबर आएंगे जिसे एक से अधिक का बोध होगा वहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे। तो आशा है आप सहायक क्रिया का भी प्रयोग एकदम आरामपूर्ण तरीके से कर लेंगे। अब जैसा कि आपने अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपको बताया गया था कि पहले कर्ता फिर किया क्रिया फिर कर्म, ये व्यवस्था हर रूल्स में हर टेंस में लागू होगी और सभी टेंसेज में आप इसी प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। पहले आप कर्ता का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया का प्रयोग करेंगे और फिर आप कर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे राधा आज स्कूल जा रही है, राधा आज स्कूल जा रही है, राधा मतलब एक वचन करता थर्ड पर्सन का राधा, इसके साथ सहायक क्रिया मैंने आपको बताया कि ही सी इट नेम, इसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। तो राधा जो है वह नेम मतलब नाम है सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और इज का प्रयोग करने में हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। राधा इज जाना मतलब गो, जाना मतलब गो, अब जो जाना है उसमें निरंतरता है, इट हैज कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी को शो करने के लिए मैंने बताया कि क्रिया की पहली अवस्था में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। राधा इज गोइंग टू स्कूल आज मतलब टुडे, राधा इज गोइंग टू स्कूल टुडे। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं मतलब आई सहायक क्रिया आएम, बुलाना मतलब आई एन जी, आई एम कॉलिंग यू। आई के लिए मैंने बताया कि आई के लिए यहां पर एक विशेष सहायक क्रिया है आएम। वे मुझे अपनी कलम दे रहे हैं, वे मुझे अपनी कलम दे रहे हैं। वे का मतलब कि दे, सहायक क्रिया आर, देना मतलब गिव, इसी में आईएनजी गिविंग, मुझे मी अपनी कलम, अपनी के लिए कर्ता के अनुसार बना के अंग्रेजी प्रयोग की जाती है तो यहाँ पर हुआ दियर कलम मतलब पेन, दे आर गिविंग मी दियर पेन। अगर नाट आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट वाली व्यवस्था सीधे तौर पर प्रयोग की जाएगी, जैसे मनीष आज मंदिर में पूजा कर रहा है, मनीष आज मंदिर में पूजा कर रहा है, तो मनीष इज
पूजा नहीं कर रहा है, निगेटिव मैंने बताया मनीष इज, अब यहीं पर करेंगे नॉट ओवर स्लीपिंग इन द टेम्पल। मनीष इज नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। अगर चाहे क्रिया वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में क्या अगर आया, जैसे क्या रोहित मुझे गाली नहीं दे रहा है, क्या रोहित मुझे गाली नहीं दे रहा है, तो सहायक क्रिया वाक्य के शुरू में इज रोहित, क्योंकि एक वचन कर्ता रोहित है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, तो इज रोहित। अब नॉट, इज रोहित नॉट गाली देना मतलब एब्यूजिंग मुझे मी, इज रोहित नॉट एब्यूजिंग मी, मेरी मेरा भाई आज संतोष के साथ इलाहाबाद क्यों जा रहा है, मेरा भाई आज संतोष के साथ इलाहाबाद क्यों जा रहा है, तो क्योंकि अंग्रेजी पहले, क्योंकि प्रथमाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में पहले प्रयोग की जाती है, तो वाई। अब सहायक क्रिया मित्रों इज, इज प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि माय ब्रदर मतलब मेरा भाई एक वचन करता है, तो वाई इज मेरा भाई माय ब्रदर, Why is my brother? अब क्रिया मतलब जाना मतलब गोइंग, Why is my brother going? कहाँ? इलाहाबाद, to इलाहाबाद with संतोष, with संतोष आज मतलब today, Why is my brother going to इलाहाबाद with संतोष today? इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भांति तैयार करिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सक्सेस क्लासेस में चलने वाले वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में, मिलेंगे अगले टेंस के साथ मिलेंगे। हम आशा करेंगे कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई इसी प्रकार जारी रखेंगे, हमारा सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।